नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग कैरियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऑनलाइन सेक्शन में। आज का हमारा चैप्टर है, फर्स्ट एड का टॉपिक है हेमरेज, पॉइजंस, प्रेशर पॉइंट, कंप्रेशन बैंड, इनसेंसिबिलिटी। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हेमरेज, कोज, टाइप्स, डिग्री ऑफ हेमरेज, फर्स्ट एड फॉर हेमरेज, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट फिगर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन बैंड, कॉमन यूज, इंट्रोडक्शन ऑफ इनसेंसिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमरेज के बारे में कि हेमरेज क्या होता है। ब्लीडिंग, जिसे हेमरेज भी कहा जाता है, ब्लड लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किए जाने वाला नाम है। बॉडी के अंदर ब्लड लॉस को इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं या बॉडी के बाहर ब्लड लॉस को एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहा जाता है। संदर्भित कर सकता है, बॉडी के लगभग किसी भी एरिया में ब्लड लॉस हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग तब होती है जब ब्लड वेसल से ब्लड लीक होता है या ऑर्गन के माध्यम से बाहर निकलता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग तब होती है जब ब्लड स्किन में ब्रेक से बाहर निकलता है। ब्लीडिंग टिश्यू से ब्लड लॉस अपेरेंट हो सकता है जब बॉडी की ओपनिंग से नेचुरल रूप से ब्लड निकलता है, जैसे कि माउथ, वजाइना, रेक्टम, नोज। हेमरेज के कॉजेज हैं, ब्लीडिंग एक कॉमन सिम्टम है, कई तरह के इंसिडेंट्स या कंडीशन ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। संभावित कारणों में शामिल है ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, इंजरी के कारण ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रॉमेटिक इंजरीज, इनकी सीवियरिटी में भिन्न होती है। ट्रॉमेटिक इंजरीज के सामान्य प्रकारों में शामिल है एब्रेशंस या स्क्रैब्स, जो स्किन के बहुत नीचे तक नहीं जाते, हिमेटोमा या ब्रूसेज, लेसीरेशंस, कट्स, नीडल्स, नेल्स या नाइफ्स जैसी वस्तुओं से पंचर वुंड, क्रशिंग इंजरीज। मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी जो ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। मेडिकल कंडीशंस के कारण ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग ब्लीडिंग की तुलना में लेस कॉमन होती है। ब्लीडिंग का कारण बनने वाली कंडीशंस में शामिल है हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, लीवर डिजीज, मेनोरेजिया, हैवी या लंबे समय तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जैसे कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में भी देखा जाता है। मेडिसिन, कुछ मेडिसिन और कुछ ट्रीटमेंट ब्लीडिंग की संभावना को बढ़ा सकते हैं या ब्लीडिंग का कारण भी बन सकते हैं। टाइप्स में है फर्स्ट एक्सटर्नल हेमरेज या रिवील्ड, एक्सटर्नल या विजिबल ब्लीडिंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में, लिम्ब वेसल्स, वुंड, नोज आदि से ब्लीडिंग होती है। सेकंड है इंटरनल हेमरेज या कंसील्ड, इंटरनल या इनविजिबल ब्लीड, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रोमा, रप्चर्ड स्प्लीन या लीवर के रूप में कंसील्ड रह सकती है। पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग, हिमेटेमेसिस या मेलिना के रूप में कंसील्ड, हेमरेज के रूप में रिवील्ड हो सकती है। थर्ड टाइप है टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन के आधार पे दो टाइप्स में है। ए पॉइंट है सर्जिकल हेमरेज, इंजरी या सर्जिकल कंट्रोल के लिए या एंजाइनो एम्बोलिज्म से होने वाली बीमारी का परिणाम होता है। बी नॉन सर्जिकल हेमरेज, कोएगुलोपैथी के कारण सभी रो सरफेस से जनरल ऊज होता है, इसे सर्जिकल मीन के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटीज करेक्शंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हेमरेज। हेमरेज की डिग्री को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ब्लड वॉल्यूम लॉस लेस देन 15%, सेकंड ब्लड वॉल्यूम लॉस बिटवीन 15 to 30%, थर्ड ब्लड वॉल्यूम लॉस बिटवीन 30 to 40%, फोर्थ ब्लड वॉल्यूम लॉस लेस देन 40%। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड फॉर हेमरेज। सीवियर ब्लीडिंग के लिए
फर्स्ट एड स्टेप्स को यूज़ करते हैं और इंजर्ड पर्सन को रीअश्योर करते हैं। इसमें ए पॉइंट है, वुंड से किसी भी कपड़े या डेब्रिस को हटा दें। बड़ी या गहरी एम्बेडेड वस्तुओं को नहीं निकालें, वुंड की जांच नहीं करें और न ही इसे साफ करने का प्रयास करें। आपका पहला काम ब्लीडिंग को रोकना है, यदि उपलब्ध हो तो डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहने। बी पॉइंट है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, वुंड पर एक स्टेराइल बैंडेज या साफ कपड़ा रखें। ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपनी हथेली के साथ बैंडेज को मजबूती से दबाएं। ब्लीडिंग स्टेप को होने तक लगातार दबाव डालते रहें। वुंड को थिक बैंडेज या साफ कपड़े के टुकड़े से बांधकर दबाव बनाए रखें। आई इंजरी या एम्बेडेड ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रेशर न डालें। एडहेसिव टेप के साथ बैंडेज को सुरक्षित करें या अपने हाथों से दबाव बनाए रखें। यदि संभव हो तो हार्ट के लेवल से ऊपर इंजर्ड लिम को उठाएं। सी पॉइंट है, इंजर्ड पर्सन को लेटने में मदद करें। यदि संभव हो तो बॉडी हीट के लॉस को रोकने के लिए व्यक्ति को रग या कंबल पर रखें। इंजर्ड पर्सन को धीरे धीरे काम करें। डी है, गोज या बैंडेज को न हटाएं। यदि वुंड पर गोज या अन्य कपड़े के माध्यम से ब्लीडिंग बह रही है तो उसके ऊपर एक और बैंडेज ऐड करें और उस एरिया पर मजबूती से प्रेशर बनाए रखें। ई पॉइंट है, टॉर्निक्वेट्स। एक टॉर्निक्वेट्स एक लिंब से लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग को नियंत्रित करने में प्रभावी होता है। यदि ऐसा करने के लिए ट्रेंड हो तो एक टॉर्निक्वेट अप्लाई करें। जब इमरजेंसी हेल्प आती है तो बताएं कि टॉर्निक्वेट कितनी देर तक अप्लाई किया था। एफ पॉइंट है, जितना संभव हो इंजर्ड बॉडी पार्ट को स्थिर करें। बैंडेज को जगह में छोड़ दें और इंजर्ड पर्सन को जल्द से जल्द इमरजेंसी रूम में ले जाएं। सीवियर ब्लीडिंग के लिए इमरजेंसी मेडिकल हेल्प पर कॉल करें, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सटर्नल हेमरेज। ऑप्शन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द लिम्ब वेसल, ब्लीडिंग फ्रॉम यूटरस, ब्लीडिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर है ब्लीडिंग फ्रॉम द लिम्ब वेसल। फर्स्ट एड में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पॉइजंस। पॉइजंस का इंट्रोडक्शन है, एक पॉइजन कभी भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई सा भी, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में बॉडी में इंजेस्टेड इनहेल्ड एब्जॉर्ब्ड स्किन पर अप्लाई होता है या बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके केमिकल एक्शन द्वारा बॉडी को इंजर्ड करता है। पॉइजन की पहचान या उपचार से मेडिसिन की ब्रांच को टॉक्सिकोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। पॉइजनिंग किसी भी सब्सटेंस के टॉक्सिक अमाउंट के एक्सीडेंटल या इंटेंशनल एक्सपोजर के ह्यूमन बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, इंजेशन, इनहेलेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन। पॉइजनिंग का प्रभाव हो सकता है लोकल, सिस्टमिक या दोनों। यह एक्सपोजर के तुरंत बाद या कई घंटे या कई दिन भी हो सकते हैं। कॉजेज है, केमिकल्स, हाउसहोल्ड जैसे कि ब्लीच, केरोसिन, इंडस्ट्रियल, एग्जांपल है मिथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, साइनाइड, आर्सेनिक। पेस्टिसाइड्स, एग्जांपल है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, एग्जांपल डीटीडी, रेट पॉइजन। थेरापेटिक ड्रग की ओवरडोज से, एग्जांपल है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आयरन टेबलेट, निफिडिपिन, फिनोबार्बिटोन। टॉक्सिक प्लांट, एग्जांपल है पॉइजनस मशरूम, टॉक्सिक हर्बल प्रिपरेशंस, जहरीले जानवरों के काटने या डंक जैसे, एग्जांपल है स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, बीज, स्पाइडर्स, एक्वेटिक एनिमल्स। साइन एंड सिम्टम में है वॉमिटिंग, डायरिया, अपर एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पाल्पिटेशन, स्किन रेशेज, स्केंटी यूरिन, फीवर। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनन, स्वेलोड। यदि व्यक्ति अलर्ट है, वॉमिटिंग करने के लिए प्रेरित नहीं करें, तुरंत माउथ को रिंस करें। प्रोडक्ट या मेडिसिन कंटेनर को संभाल कर रखें। स्किन पर रूम टेम्परेचर पानी की प्रचुर मात्रा के साथ दूषित कपड़ों को हटा दें
और एक्सपोज्ड एरिया को धो लें। आइज़ में 10 से 15 मिनट के लिए एक कप या जग से पानी की एक स्लो जेंटल स्ट्रीम के साथ आइज़ धोएं। आइज़ के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक वाटर को प्रभावित होने दें। आई ड्रॉप्स अप्लाई न करें। इनहेल्ड तुरंत खुद को रिस्क में डाले बिना व्यक्ति को ताजी हवा में पहुंचाएं। गर्दन पर किसी भी तंग कपड़े को ढीला करें। अगर घर के अंदर हैं तो घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। ब्रीथिंग फ्यूम से बचें। एक अनकॉन्शियस पर्सन को बचाने की कोशिश न करें जहां एक हाईली टॉक्सिक या अननोन गैस शामिल होती है। एक ब्रीथिंग अपैरेटस के बिना आप खुद विक्टिम न बन सकते हैं। बाइट और स्टिंग्स आंट्स बीज और वास्प से लगभग 2% स्टिंग्स में सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होती है। फेस लिप्स और टंग की स्वेलिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज या एक जनरलाइज्ड रेश जैसे सिम्टम्स संभावित रूप से लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉइजन। अपर एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ऑल ऑफ अबव। आंसर है ऑल ऑफ अबव। फर्स्ट एड का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर पॉइंट। ह्यूमन बॉडी में बहुत अधिक प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इन प्रेशर पॉइंट पर दबाव बॉडी के अन्य भागों और ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। किसी व्यक्ति को ठीक करने में मदद करने के लिए प्रेशर पॉइंट्स के उपयोग का समर्थन किया जाता है जो कि लिमिटेड रिसर्च होती है। हालांकि एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर के उपयोग के बारे में बहुत अधिक रिसर्च हुई है जिसमें सिर्फ प्रेशर के बजाय नीडल शामिल होती है। प्रेशर पॉइंट का उपयोग करना एक नॉन इन्वेसिव और रिस्क फ्री प्रैक्टिस है, इसलिए आमतौर पर डॉक्टर रिकमेंडेड ट्रीटमेंट के साथ उपयोग करना सुरक्षित मानते हैं। एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी के प्रैक्टिशनर्स अपने ट्रीटमेंट में प्रेशर पॉइंट का उपयोग करते हैं। प्रेशर पॉइंट बॉडी का एक ऐसा एरिया है जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में उपयोग किए जाने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट को दर्शाते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स ने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की पहचान की जिनका मानना था कि वे बॉडी के माध्यम से एनर्जी फ्लो में सुधार करते हैं। इस स्लाइड में प्रेशर पॉइंट्स के सभी पॉइंट्स दर्शाए गए हैं जिसे हम देखकर समझ सकते हैं कि बॉडी में कहां कहां पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें नामांकित भी किया गया है। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रेशर पॉइंट्स आर एरियाज ऑफ द बॉडी दैट रिफ्लेक्ट द। ऑप्शन है द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, द बोन पॉइंट, रिलायबल प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ अबव। आंसर है द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। फर्स्ट एड का नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेशन बैंड। एक कंप्रेशन बैंडेज स्ट्रेचेबल कपड़े की एक लंबी स्ट्रिप होती है जिसे स्प्रेन या स्ट्रेन के चारों ओर लपेट सकते हैं। इसे इलास्टिक बैंडेज या टेंसर बैंडेज भी कहा जाता है। बैंडेज का जेंटल प्रेशर सूजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए यह इंजर्ड एरिया को बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। कंप्रेशन रैप्स, जिसे कंप्रेशन बैंडेज भी कहा जाता है, कई अलग अलग इंजरीज या अलाइनमेंट्स के लिए उपयोग किया जाता है। ये फर्स्ट एड प्रोसीजर में एक कॉमन स्टेपल है और अक्सर फर्स्ट एड किट में पाई जाती है। यह आमतौर पर सस्ती होती है और ड्रग स्टोर या ऑनलाइन से खरीदी जा सकती है। कॉमन यूजेज में शामिल है कंप्रेशन बैंडेज का उपयोग किसी विशिष्ट एरिया या इंजरी पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ये इंजरी वाले स्थान पर इकट्ठा होने से फ्लूड को कम करके सूजन को कम करने में मदद करते हैं। कंप्रेशन को कंप्रेशन स्लीव्स के उपयोग के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये आमतौर पर लंबे समय तक पेन या ब्लड सर्कुलेशन मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। कॉमन कंडीशंस में जहां कंप्रेशन रैपिंग का उपयोग किया जाता है देख सकते हैं, जैसे कि रिस्ट या एंकल स्प्रेन, मसल स्ट्रेन, स्वेलो
लिम्स, वेरिकोज वेन, कंट्यूशंस या ब्रूसेस। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड का इनसेंसिबिलिटी। अनकॉन्शियसनेस एक ऐसी अवस्था है जो तब होती है जब सेल्फ और एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता बनाए रखने की क्षमता लॉस्ट हो जाती है। इसमें लोगों और अदर एनवायरनमेंटल स्टिमुलाई के प्रति निकटपूर्ण अभाव, रेस्पॉन्सिवनेस की कमी शामिल होती है। अनकॉन्शियसनेस का नुकसान साइको एनालिटिक की धारणा के साथ कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, या कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे इम्प्लिक्ट कॉग्निशन जो जागरूकता के बाहर होती है, और कॉन्शियसनेस की परिवर्तित अवस्थाओं के साथ जैसे डेलीरियम जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है और केवल एनवायरनमेंट के लिए पार्शियली रूप से उत्तरदायी होता है। नॉर्मल स्लीप हिप्नोसिस और अदर अल्टर्ड स्टेट के प्रति रेस्पॉन्स करता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और हाँ लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।